वंस अगेन नमस्कार गूगल 3D एनिमल्स में। पिछले वीडियो में हमने डॉग को 3D व्यू में देखा था, इस बार बारी है डक की। हम आगे बढ़ते हैं। डक की कुछ इमेजेस इस समय मेरे सामने हैं, आप भी इन्हें एनलार्ज करके देख सकते हैं। देखिए अलग अलग तरह की डक की, लगभग और जितनी स्पीसीज होती हैं वो सभी स्पीसीज को यहाँ पर फिल्माया गया है। बहुत ही प्यारी प्यारी इमेजेस हैं। डक इज़ अ कॉमन नेम फॉर न्यूमरस स्पीसीज इन द वाटर फॉल फैमिली एंटिडे विच ऑल्सो इंक्लूड स्वान्स एंड गीज। डक्स आर डिवाइडेड अमंग सेवरल सब फैमिलीज इन द फैमिली एंटिडे। दे डू नॉट रिप्रेजेंट अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप बट अ फॉर्म टैक्सन सिंस स्वान्स एंड गीज आर नॉट कंसिडर्ड डक्स। फर्दर डिटेल्स यूज विकिपीडिया। अगर मेरे वीडियो में कहीं कोई गलती है तो मेरी गुजारिश है आपसे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में उन गलतियों को सुधारने का मौका दें, मुझे बताएं कि मुझे कैसे उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। डक के क्लोजअप वीडियो के लिए जाने से पहले, लाइफ स्पैन मलार्ड 5 to 10 ईयर्स, क्लच साइज मलार्ड 8 to 13 ईयर्स, फाइलम कॉर्डाटा, विंग स्पैन मलार्ड 81 to 98 सेंटीमीटर, मास मलार्ड 0.72 to 1.6 केजी, कैनवास पैक 1.2 केजी, मार्बल्ड डक 480 ग्राम, मोर फॉर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ, लेंथ मलार्ड 50 to 65 सेंटीमीटर, कैनवास पैक 48 to 56 सेंटीमीटर एंड फॉर फर्दर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर व्यू इन 3D। 3D फॉर्म में हम आ गए हैं। ये डक का 3D फॉर्म है, देखिए कलरफुल, बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डक किसी ने पहले पेंट की हो, देन उसमें जान डाली है और फिर उसे फिल्माया गया है। साउंड बिल्कुल नेचुरल आप सुन सकते हैं डक का, अपने स्पेस में इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ये देखिए ये अब मेरे कमरे में आ चुकी है डक। इसके किसी भी साइज तक मैं इसको एनलार्ज कर सकता हूँ अराउंड। देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं डक के चारों तरफ घूम रहा हूँ, डक बीचों बीच बैठी हुई है और मैं डक के चारों तरफ घूम रहा हूँ। बहुत शानदार। टेक योर ओन एक्सपीरियंस एट योर होम। इट्स टाइम टू गो नाउ। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।